माय यूट्यूब चैनल कहानी विद कारुण्या और आज मैं अपनी इस कहानी की दुनिया में आपको ले आई हूँ भारत के सिर का ताज कश्मीर की वादियों के बीच। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आप जब भी कश्मीर आए तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस है ट्रैवल करने के लिए और बहुत कुछ। तो चलिए साथ मिलकर अपने भारत के सिर के ताज को एक्सप्लोर करते हैं, इसकी खूबसूरत सी वादियों को देखते हैं और पूरे वीडियो का आनंद लीजिए। तो इस वीडियो में आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड वुड बी योर अकोमोडेशन, थर्ड वुड बी यहाँ पे क्या कॉस्टिंग पड़ती है, फोर्थ वुड बी यहाँ का वेदर कैसा है इन द मंथ ऑफ जून, एंड फिफ्थ वुड बी द प्लेसेस जो आप कवर करेंगे अपने इस ट्रिप में। या लेट्स गेट स्टार्टेड। श्रीनगर आने के लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपकी एयरवेज होगी, जो कि आप श्रीनगर कोई भी स्टेट से बोर्डिंग कर सकते हैं फ्लाइट और आप पहुंच जाएंगे श्रीनगर। सो एक बार श्रीनगर आप पहुंच गए उसके बाद बात आती है एकोमोडेशन की। यहाँ पे बहुत सारे एकोमोडेशन हैं, फ्रॉम यू नो बजट फ्रेंडली टू हाउस बोट्स टू ब्यूटीफुल होटल्स एंड रिजॉर्ट। सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग वेराइटीज़ ऑफ होटल्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक प्रो टिप जो मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी वो ये है कि आप मल्टीपल वेबसाइट्स के थ्रू, जस्ट लाइक मेक माई ट्रिप, अगोडा, booking.com, इन सब में तो आप चेक करते ही होंगे, बट अगर वो होटल का खुद का वेबसाइट भी है तो वहाँ पे जाके भी एक बार प्राइजेस चेक ज़रूर करिए, बिकॉज ट्रस्ट मी इट डज़ मेक अ डिफरेंस। तो मैंने कहाँ स्टे किया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बताना। I wanted to you know stay in a place जहाँ पर मुझे पूरा pure vegetarian food मिले and that was my preference। तो मैं रुकी थी the new Mamta hotel में जहाँ पर मुझे not only veg food but also Jain food मिला and that was like wow amazing। श्रीनगर में मैंने देखा और भी कुछ restaurants हैं जहाँ पर veg food मिलता है, but वो थोड़े distance में है एंड सिंस आपके पास डिस्टेंस में है तो आप जा पाओ ना जा पाओ। तो अगर आप एक प्योर वेजिटेरियन हैं एंड आप जैन फूड यू नो खाना चाहते हैं तो आप दी न्यू ममता होटल को ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। उनका बफे भी काफ़ी इलेबोरेटेड था, बहुत सारे वैरायटीज थी खाने का, टेस्ट एक नंबर था एंड ऑफ कोर्स इट्स जैन, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। अच्छा तो अब आप वेट कर रहे हैं कि मैं सारे ट्रैवल कॉस्ट, स्टे कॉस्ट ये सब बताऊं, बट नोप, उसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा और लंबा देखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं वेदर की। तो जैसा कि आप हमें देख सकते हैं, हम लोग जैकेट्स हमने नहीं पहना है एंड वी आर हेयर इन द मंथ ऑफ जून। जून, तो हम जून के महीने में हैं जहाँ भारत में अराउंड 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर चल रही है। वही भारत का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे आप एकदम प्लीजेंट वेदर को इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। काफ़ी सन्नी है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो मॉडरेट वेदर इस समय यहाँ पर श्रीनगर में है। और रेस्ट ऑफ कश्मीर में जब जाएंगे तो पता चलेगा, श्रीनगर में तो बिल्कुल प्लीजेंट वेदर है, प्लीजेंट वेदर है काफ़ी ज़्यादा। जैकेट्स में जब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन आई हूँ जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको, ये वहाँ पर मैंने आके अनपैक किया। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप कौन कौन से प्लेसेस है यहाँ पे जो आप विजिट करेंगे इन श्रीनगर। तो आप अपना डे मॉर्निंग अराउंड 8 to 8:30 अराउंड स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन यहाँ से सबसे पहले आप चले जाइए शंकराचार्य टेम्पल। एक चीज़ नोट करिएगा कि आपने जो भी व्हीकल बुक की होगी वो आपको शंकराचार्य टेम्पल तक नहीं लेके जाएगी, उससे पहले ही एक पॉइंट पर वो रोक देंगे एंड वहाँ से फिर वहाँ के खुद के ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, ट्रैवलर बसेस, वो आपको शंकराचार्य टेम्पल लेके जाएगी जो कि 12 to 13 किलोमीटर्स अराउंड रहेगा। तो वहाँ पे जाने आने में ऑल दोज थिंग्स आपको अराउंड 2 to 3 आवर्स वहाँ पे यू नो स्पेंड हो जाएगा।
लेट्स से कि अगर आप शंकराचार्य टेम्पल बाद में विजिट करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर डे बाय विजिटिंग दिस बोटैनिकल गार्डन. ट्रस्ट मी, मैंने बोटैनिकल गार्डन से स्टार्ट किया था एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल, लेस क्राउडेड एंड द सीन, द ब्यूटी, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग. यहाँ पे जाइए, ढेर सारे फोटोज क्लिक करिए, ढेर सारे रील्स बनाइए एंड यू वुड लव द मॉर्निंग टाइम ऑनेस्टली. ठीक है, तो यहाँ पे आपका, आप यहाँ जा सकते हैं बोटैनिकल गार्डन. सेकेंड, श्रीनगर इज नोन फॉर लॉट ऑफ गार्डन्स. ट्यूलिप गार्डन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो अप्रैल एंड में ट्यूलिप गार्डन जो है वो बंद हो जाता है एंड इट रीओपन्स इन द मंथ ऑफ अगस्त अराउंड. तो ट्यूलिप गार्डन आप जून में आएंगे तो नहीं विजिट कर सकते, दैट इज़ अनदर थिंग. एंड देन निशाद गार्डन है एंड देन चश्मे शाही, तो ये सब प्लेसेस आप जा सकते हैं एंड यू कैन विजिट देयर पीपल. तो अनदर स्पॉट इन आर एक्सप्लोरिंग श्रीनगर इज चश्मे शाही गार्डन. तो ये है कुछ इस जगह का व्यू. सो क्योंकि आज संडे है तो यहाँ पे लोकल क्राउड थोड़ा ज़्यादा है, तो इन केस इफ़ यू कैन अवॉइड संडे तो दैट वुड बी मच बेटर. अगेन वन प्रो टिप, एंड यस, टू मच ऑफ हीट, टू मच ऑफ सन, सो डू कैरी अ कैप व्हेनेवर यू ट्रैवल इन द मंथ ऑफ मे और जून. इट्स लाइक सुपर हॉट एंड सनी ओवर हियर. विंड चल रही है तो बॉडी में ठंडा ठंडा हवा लगता है, दैट इज़ गुड, बट सन काफ़ी ज़्यादा है. सो डू कैरी अ कैप, योर गॉगल्स और अ ट्रांजिशन स्पेक्स, दैट विल मेक यू फील कम्फर्टेबल हियर. सो पीपल, नेक्स्ट स्पॉट जो हम आए हैं दैट इज़ निशाद गार्डन्स. एंड यहाँ भी इट्स अ गार्डन, तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं. इवनिंग टाइम में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा एंड अवॉइड संडेज क्योंकि भीड़ आप जैसे देख सकते हो थोड़ी ज़्यादा है. इट्स अ वेरी वेरी बिग गार्डन. अरे यहाँ पे आप अपने साथ खाना वाना भी लेकर आ सकते हो. मैंने देखा काफ़ी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आराम से पिकनिक मना रहे हैं, तो वो सब भी यहाँ पे कर सकते हो. तो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस दैट यू कैन विजिट. अनदर प्लेस इज परी महल जो आप विजिट कर सकते हैं. एंड अराउंड 12:30 अराउंड, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी तो मैं रिटर्न अपने होटल आ गई थी. आई वॉन्टेड टू अवॉइड सो मच ऑफ सन. एंड देन मेरा प्लान कुछ ऐसा था कि इवनिंग में माय एंटायर इवनिंग टाइम वाज केप्ट फॉर अ शिकारा राइड. तो आप अपने लिए, अगर आपका लेट्स से कुछ स्पेशल ओकेजन है जो आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इट वुड बी अमेजिंग. यू कैन परचेज अ केक और समथिंग एंड देन आप शिकारा में जाके वो कट कर सकते हैं एंड मेक ब्यूटिफुल रील्स वीडियो जो मैंने भी बनाया. सो डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम चैनल, लिंक यहाँ पर है. And you would see, it was such a beautiful moment for me. पे मैं enjoy कर रही हूँ शिकारा राइड. मैंने ये स्टार्ट किया था अराउंड 5:30 इन द इवनिंग और यहाँ पे मल्टीपल स्पॉट्स है जो आप कवर कर सकते हैं, 4 point, 8 point, 2 point एंड मल्टीपल चार्जेस है जिसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे. बट वॉट इज स्पेशल अबाउट दिस राइड इज, इस राइड में आप अपने साथ अपने स्पेशल ओकेजन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसा कि इस राइड में मैंने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे विद अ केक कटिंग सेरेमनी, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे. इट वॉज अमेजिंग, ब्यूटिफुल, अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो इस तरह से आप भी अपने स्पेशल मोमेंट्स कुछ ऐसा है तो सेलिब्रेट कर सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं अपना स्पेशल डे. सो दिस इज़ द डल लेक एंड इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल व्यू. टाइम फॉर अनदर प्रो टिप. लेट्स से कि आप अपना कोई ओकेजन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बर्थडे एनिवर्सरी, 6 month एनिवर्सरी, 10 years एनिवर्सरी, कुछ भी, एंड आपको केक ऑर्डर करने हैं. अब चॉइसेस तो कुछ भी हो सकती है ना यारो, वनीला, चॉकलेट, डार्क फॉरेस्ट, वाइट फॉरेस्ट, टफल, पाइनएप्पल, फ्रूट, कुछ भी. सो आपको नहीं पता कहाँ से ऑर्डर करना है, टेस्ट कैसा होगा, रिव्यूज़ नहीं पता, बट वरी नॉट, श्रीनगर में आपको स्विगी भी मिलेगा. सो जस्ट ऑर्डर फ्रॉम स्विगी
एंड फूड डिलीवरी इजीली हो जाती है. हमने भी यही किया था, वी ऑर्डर इट इन आवर होटल एंड फिर इवनिंग में जब हम शिकारा राइड के लिए निकले थे तो वी टुक द केक हमारे साथ हम ले गए थे एंड बोट पे ही हमने फिर सेलिब्रेट किया एंड विच इज़ दिस वीडियो दैट यू विल सी जस्ट नाउ. तो आप ये भी कर सकते हैं. अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसके लिए आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. दैट्स राइट, अब हम बात करने वाले हैं कॉस्टिंग की. अब आप एक बार श्रीनगर पहुंच गए तो श्रीनगर पहुंचने के बाद आप अपने होटल जाएंगे, राइट? तो इसकी प्राइजेस अराउंड पड़ती है 1000 रुपीज़. ठीक है, अगेन इसमें भी एक प्रोटिप है जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, आप जो डे ट्रिप लोगे इन श्रीनगर उसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 2500 ऑफ अ नॉन एसी कार एंड 3000 रुपीज़ फॉर एन एसी कार. ये देखिए पूरा एकदम आंधी जैसा आ रहा है और मेरा कैमरा भी पूरा हिल गया था. फुल एकदम आंधी एकदम. ओह माय गॉड, इट्स सुपर 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 विंडी एंड चिल्ड है बहुत यहाँ पे. ऑफ कोर्स मैं श्रीनगर से ये शूट नहीं कर रही हूँ, आई एम शूटिंग इट फ्रॉम माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन. ओह वाओ, इट्स सच अ लवली वेदर, इट्स ब्यूटीफुल वेदर हियर. तो इससे समझ में आता है कि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है टू सी विच इज़ माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन. ओ माई गॉड, बहुत जोर की आंधी है. कंटिन्यू द कॉस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो. लेट्स टॉक अ बिट अबाउट शिकारा राइड जो आप करने जाएंगे उसके लिए क्या क्या मेजर चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए. सो पॉइंट वन इज़ कि शिकारा राइड के लिए श्रीनगर में 21 घाट्स है. 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए 21 घाट्स यहाँ पे होते हैं. एंड जो घाट नंबर 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ऐसे जाता है, ये सब काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं, ह्यूजली क्राउडेड रहते हैं एक्चुअली. सो बेस्ट होगा कि आप जो लास्ट के घाट्स है जैसे कि 18, 19, 20, 21 इन 4-5 घाट्स को ही सेलेक्ट करिए ताकि आपको एक पीसफुल 1.5 to 2 hours की शिकारा राइड मिल सके एंड आप उसको एक्चुअली इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे क्राउड भी कम है, ब्यूटी भी ज़्यादा है, पीस है. अच्छे म्यूज़िक लगाइए एंड जस्ट इन्जॉय द मोमेंट एक्चुअली. सो द प्राइजेस जो होती हैं, अगर आप स्टार्टिंग के घाट्स में जाओगे क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो दे कैन स्टार्ट विथ अराउंड 1500, 2000 ऐसा करके वो स्टार्ट कर सकते हैं एंड यूजिंग योर नेगोशिएशन स्किल्स यू कैन ब्रिंग देम डाउन टू 800, 900, 1000, 1100 समथिंग लाइक दैट. बट अगर आप लेटर घाट्स में जाते हैं विच इज़ लाइक 18, 19, 20, 21 इस टाइप के घाट्स में जाते हैं तो यहाँ पे कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा हाई हो जाती है बिकॉज यहाँ पे ये चार देर आर फ्यू पॉइंट्स लाइक 2.4, 2.8 points ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं एंड सीनिक ब्यूटी इन घाट्स में बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए इनकी कॉस्टिंग भी थोड़ी ज़्यादा होती है. अब कॉस्टिंग का सीन ऐसा है कि दे से कि जो 4 points है दिल टेक यू इन 3000 or 4000 एंड 8 points दे चार्ज अराउंड 7000, 8000. बट आप अगेन अपने नेगोसिएशन स्किल्स यूज़ करिए एंड ब्रिंग देम टू हाफ इन अराउंड 2000 to 2500 इस रेंज में बुक किया. अब इन सब के बाद में नेक्स्ट आता है कि हम श्रीनगर से अब जो नेक्स्ट प्लेस जा रहे हैं उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, कैसे होता है. तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा जहाँ पे मैंने नेक्स्ट प्लेसेस कवर किए हैं एंड वहाँ पे भी मैं पूरी कॉस्टिंग की जानकारी देने वाली हूँ. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था के स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक लास्ट में भी एक प्रो टिप दूंगी एंड देन ओनली आई विल एंड दिस वीडियो. सो प्रो टिप ये है कि आप जब अकोमोडेशन प्लान करते हैं तो उसी होटल से आप अपने ट्रैवल के बारे में भी बात कर लीजिए ताकि वो आपको पिकअप भी कर ले एंड आपको एज वेल डे ट्रिप का भी वही अरेंज करके दे दे बिकॉज उनकी टैक्सीज से कार वालों से सारे से बातचीत रहती है.
तो वो आपको एक अच्छे प्राइस में आपको बुक करके देंगे. सो दैट्स ऑल फोक फॉर दिस ब्लॉग ऑफ कश्मीर डायरीज डे वन इन श्रीनगर. एंड इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेते आऊँगी. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे. एंड दिस इज स्पेशली व्हेन यू विजिट कश्मीर इन द मंथ ऑफ जून. तो ये कंप्लीट आइटिनरी थी आपके लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए. और मैं ऐसे बहुत सारे प्लेसेस जाते रहती हूँ जिस एंड वीडियोज़ जो मैंने शूट किया है उसको मैंने अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो. कुछ अगर क्वेश्चंस है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं डेफिनेटली उनको ऑन द स्पॉट आंसर्स करने की कोशिश करूँगी. सो या चीज़ी है बट कहना पड़ेगा. डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ दिस कश्मीर डायरीज. बाय बाय.